हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। और ये देखिए, आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान एंड खूबसूरत डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन। आप इसे मल्टी कलर, डबल कलर कैसे भी बना सकते हो। डिज़ाइन बहुत 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 सुंदर है, अब वो कहने की ज़रूरत नहीं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। फुल स्ट्रेचबल है ये रॉन्ग साइड एंड ये राइट साइड। ऊन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बाकी प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा और आपका मन बनाने में भी बहुत मन लगेगा, क्योंकि ये बस दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये कैसे बनेगा, बस दिखने में। बाकी जब आप बनाने लगोगे ना, तो सच मानिए बहुत अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत मन लगेगा। क्योंकि जब भी कोई स्वेटर डिज़ाइन हम बनाते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता तो हमें बनाने में अच्छा लगता है कोई भी, और फटाफट से बनने वाले डिज़ाइन तो मुझे बनाने में और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पेयर आपको दिख रहा होगा, 2+2, 2+2, 2+2 के मल्टीपल की ये डिज़ाइन है। एक कलर से हम 4 सिलाई बनाएंगे एंड एक कलर से हम 4 सिलाई बनाएंगे, 4, 4, 4, 4, 4, ये 16 सिलाइयाँ, मतलब 16 रोज हमने बनाकर यहाँ पर तैयार किया हुआ है। और जब भी इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में डालिए, फंदे को आप 5 फंदे, 10 फंदे, 8 फंदे कम ही रखिए, जितने आपके प्रोजेक्ट हों उससे 5-6 फंदे कम ही रखिए, ताकि उधर से 5-6 फंदे घटे और जो डिज़ाइन में हमारा ऊन कवर हो दोनों अपना बराबर हो जाए, तो आपको समझ लीजिए सेम टू सेम पड़ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिए जिसे भी स्वेटर बनाना एंड सीखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने चैनल पर ऐसे ही सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी बना सकता है। अब देखिए, राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे, फर्स्ट रो राइट साइड। ठीक, जिस कलर से हम बॉर्डर बनाए रहेंगे उसी कलर से 2 सिलाइयाँ हमको बनानी है सिंपल। पहला पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे एंड दूसरा पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद देखिए, पहली सिलाई, और ये पहले ही बनेगा, बाद में ये नहीं बनेगा, जब भी हम डिज़ाइन शुरू करेंगे तभी ये बनेगा, इसके बाद ये सिलाइयाँ नहीं बनेंगी। इसके बाद हम अपने कलर को चेंज करेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक, एक राइट साइड एंड एक रॉन्ग साइड। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद हम अपना दूसरा कलर यहाँ पर अटैच करेंगे। कलर को आपको अपने हिसाब से रखना है, अगर ऊन आपका पतला है तो सिलाई थोड़ी पतली रखिए, ऊन मोटा है तो सिलाई थोड़ी मोटी रखिए। अगर इतना आपको ऊन तो दिख ही रहा है, अगर इतना पतला ऊन है तो आप 10 नंबर में बनाइए। अब ध्यान से देखिएगा, एक दो, दो फंदा हमने बनाया, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हमको 1, 2 यहाँ से हमको लूप निकालना है, लूप को थोड़ा ढीला रखना है, ये थोड़ा ढीला रखेंगे, फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 ये फंदा हमारा बढ़ रहा है, फिर से 1, 2, 2 के बीच से हमें लूप निकालना है, ये 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 2 लूफ निकाला, 2 फंदा सीधा बुना, 1, 2, 2 फंदे हम सीधा बुनने के बाद 2 फंदे के बीच से हम लूफ निकालेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारी सारी सिलाइयों में जितने फंदे होंगे पहली सिलाई में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरी सिलाई, पहले फंदे को सिर्फ जो फंदा बुना है उसे हम बुनेंगे, और जो फंदा हमने यहाँ एक्स्ट्रा उठाया है उसे हम ऐसे ही उठा लेंगे बिना बुने, 1, 2 स्लिप किया, 1, 2 स्लिप किया, 1, 2 स्लिप किया, 1, 2 इस प्रकार से हम उल्टे की तरफ दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, पहली सिलाई भी इतना ईजी, दूसरी सिलाई भी इतना ईजी। अब देखिए, थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा, अब इसे टर्न करेंगे दोनों फंदे को, देखिए ऐसे इस सिलाई में लेंगे, इसे तो हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, पहले इस फंदे को बुनेंगे, 1
दो। अब ये लूप वाले फंदे को दोनों फंदों में क्रॉस कराएंगे ऐसे, ठीक। फिर से देखिए, इसे टर्न करेंगे और इस वाले फंदे को बुनेंगे, एक दो, इस फंदे को क्रॉस कराएंगे ऐसे। फिर से ध्यान से देखिएगा, टर्न किया और इस वाले फंदे को बुन लेंगे, एक दो, इसे हम क्रॉस करा देंगे। अब इस प्रकार से जो हमारा फंदा बढ़ा था वो फंदा हो गया बराबर ऐसे, एक दो, इसको क्रॉस। थर्ड रो इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी बन रही है और दिख भी रही है कि हाँ हमारी डिज़ाइन जो है वो बन रही। फोर्थ रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया और बाकी के सारे फंदे को ऐसे आपने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। यही चार सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है, लेकिन सेकेंड सिलाई में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बस वही मैं आपको बता दूँ। बाकी सिलाइयाँ ऐसे ही बनेंगी जैसे बन रही हैं। अब इस कलर को हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले हम दो फंदा बनाए थे, इस बार हम तीन फंदा बनाएंगे। बस एक सिलाई देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बस एक दो या तीन। अब ये डिज़ाइन दिख ही रहा है आपको, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन, दोनों डिज़ाइन के बीच से आपको लूप निकालना है, एक दो, ये ऐसे। फिर से दो बनाएंगे, यही आपको चेंज करना है बस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक हो गया। अब बाकी की सिलाइयाँ जैसे हमने आपको रेड कलर वाली बताई हुई है ऐसे ही बनेंगी, कलर हमने चेंज किया है, बाकी सेम टू सेम। यही चार सिलाई आप बार बार रिपीट करते हो तो डिज़ाइन तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, फिर से देख लीजिए तो ऐसा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। सो फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को ट्राई करना और हमारे साथ शेयर जरूर करना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही यूजफुल डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिज़ाइन। टेक केयर, बाय बाय।